आपको भी ठंडी लग रही है, और जब जब ठंडी लगती है तो याद आता है ये शकरकंदी। वाले ज्यादा है, अब जब ठंडी लगती है तो शकरकंदी की कितनी डिमांड होती है, आते हैं लोग खरीदने। खूब आते हैं, खूब आते हैं, लव आते हैं, कम से कम 250 आदमी आते हैं खाने के लिए। बढ़िया चीज रखते हैं हम तो, स्पेशल आपके लिए क्यों तो खिला के दिखाएं अभी। नहीं बिल्कुल, हम लोग तो खाएंगे बिना खाने से तो मैं तो नहीं जाने वाली। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ अर्चना त्रिपाठी। दोस्तों, मुझे तो पता है कि मैंने ये जैकेट ये सोच के पहना है कि मुझे ठंडी से बचने को तो मिलेगा। क्या आपको भी ठंडी लग रही है, और जब जब ठंडी लगती है तो याद आता है ये शकरकंदी। ये शकरकंदी आप देख रहे हैं किस प्रकार से गर्मा गर्म यहाँ से धुएं भी निकल रहे हैं, और आज हमारे साथ मौजूद है इस शकरकंदी को बेचने वाले सतपाल जी। ये बताइए, कितने साल से आप बेच रहे हैं? और ये 15 साल हो गए हमारे, 15 साल है। 15 साल से बेच रहे हैं, 15 साल से आप बेच रहे हैं, और ये कब निकालते हैं बेचने के लिए? लगभग 10-11 बजे निकलते हैं घर से। अच्छा, क्या फायदा क्या है शकरकंदी का? ये ठंड के ज्यादा बहुत बढ़िया चीज है खाने के लिए, कैल्शियम को बहुत बड़ा फायदा बंद है, शरीर में बहुत स्वादिष्ट चीज है। शकरकंदी ही बेचना क्यों, और भी कुछ बेचते हैं? नहीं, फिर पॉपकॉर्न बेचते हैं सर्दी के बाद में। अच्छा, आप सर्दी में शकरकंदी बेचते हैं? ये जो सतपाल जी बता रहे हैं शकरकंदी बेच रहे हैं, ये शकरकंदी आप जो रखते हैं किस प्रकार से रखते हैं, और ये जो धुआं निकल रहा है और क्या है ये एक्चुअली? ये गर्मा गर्म रखते हैं शकरकंदी, और ये जो है लकड़ी का बूर है इसमें रखते हैं गर्मा गर्म। बहुत बढ़िया चीज है खाने की, स्वादिष्ट चीज है। तो अभी कितना आप लेके आते हैं रोज? लाते हैं लगभग 10-15 किलो। बिक जाती है सारी? हो पाती है क्या शकरकंदी से? हाँ जी, इतनी है, अपनी दाल रोटी चलती है, और क्या है। सतपाल जी बताइए, एक तो पिज्जा बर्गर लोग खाने वाले ज्यादा है, अब जब ठंडी लगती है तो शकरकंदी की कितनी डिमांड होती है, आते हैं लोग खरीदने? खूब आते हैं, खूब आते हैं, लव आते हैं, कम से कम 250 आदमी आते हैं खाने के लिए। और खाके फिर क्या बोलते हैं फिर खाने के बाद? कहते हैं बहुत बढ़िया चीज है भाई, बहुत स्वादिष्ट है, बढ़िया चीज रखते हैं हम तो, स्पेशल आपके लिए क्यों तो खिला के दिखाएं अभी। नहीं बिल्कुल, हम लोग तो खाएंगे बिना खाने से तो मैं तो नहीं जाने वाली। अभी ये बताइएगा सतपाल जी, आपके बच्चे बच्चे भी हैं, आप ही इस बिजनेस में आए हैं कि आपके बच्चे भी करते हैं? हाँ, एक लड़का करता है हमारा, शकरकंदी बेचता है। शकरकंदी बेचता है। अरे वाह, तो भैया शकरकंदी खा लो, ठंडी से बच लो। तो हमारे साथ सतपाल जी हैं, ये भी अभी हमें थोड़ी देर में शकरकंदी खिलाएंगे, और हम भी देखेंगे टेस्ट करके कि भैया लगता कैसा है।
तो चलिए इसी के साथ लेते हैं इजाजत। नमस्कार।